नमस्कार, स्वागत है आपका चलत मुसाफिर में। और इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही छोटे से जिले जशपुर नगर में हूँ, जो कि झारखंड और ओडिशा के बॉर्डर पर है। और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो जगह नैसर्गिक खूबसूरती से भरी हुई है, जिसका नाम है रानी द। और हमारे साथ हैं एक बहुत ही जानी मानी लेखिका और जिन्होंने दो किताबें लिखी हैं, ऐसी वैसी औरत और मैं से मातक, नाम है अंकिता जैन, जो कि अब इस जगह के बारे में मैं बताएंगी। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता, स्वागत करती हूँ आपका रानी दा में। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, पहाड़ियों से घिरी हुई, पानी, झरना, नदी। अब थोड़ी गंदगी भी आ गई है क्योंकि हम इंसानों ने दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम गंदा ना करते हो, लेकिन ये जगह अभी भी काफ़ी कुछ बची हुई है, काफ़ी हद तक बहुत खूबसूरत जगह है। इस जगह की कहानी है कि एक रानी थी, उसने इस जगह से कूद कर आत्महत्या कर ली थी और अपने 5 भाइयों को और अपनी एक सहेली को श्राप दिया था कि उसकी आत्महत्या करने के बाद वो लोग पत्थर बन जाएंगे। तो ऊपर जाकर 5 छोटे छोटे से पठार हैं जिनको कहते हैं कि ये रानी के वो भाई थे जिन्होंने आत्महत्या की, और जहाँ से रानी कूदी थी वहाँ एक जगह है जिसको कहते हैं कि रानी की सहेली है, जो पत्थर बन गए। जशपुर नगर बेसिकली सतपुड़ा माउंटेन रेंज के अंदर एक छोटा सा तलहटी में बसा हुआ छोटा सा जिला है। एक ज़माना था जब कहते हैं कि जशपुर में इतनी ठंड पड़ती थी कि यहाँ इस जगह को, जब MPCG अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे, तब इस जगह को मध्य प्रदेश की विंटर कैपिटल बनाने के बारे में बात चलती थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत कट गए हैं, हालांकि अब भी दिसंबर अंत और जनवरी में यहाँ 0 टेम्परेचर चला जाता है, अब इस साल जाएगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि हाईवे बनाने के लिए 30,000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, तो अब यहाँ टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो गया है, वरना सर्दियों में ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह हो जाती है। बारिश और सर्दियाँ इस जगह के लिए जन्नत हैं। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर पर्टिकुलर इस जगह पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कैसे पहुँच सकते हैं? इस जगह पहुँचने के लिए आप जशपुर नगर से कुनकुरी, जो हाईवे है जशपुर नगर से कुनकुरी के लिए जाएंगे, तो उससे पहले तकरीबन जशपुर से 1.5-2 किलोमीटर के बाद ही लेफ्ट हैंड साइड में आरा एक जगह है, उसके लिए एक रोड कटती है, वहाँ से उस मुख्य सड़क है, सड़क काफ़ी अच्छी बना दी गई है, उस सड़क पर आप आएंगे और लगभग 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद राइट हैंड साइड में आपको रानी दा करके एक बड़ा सा बोर्ड लगा मिल जाएगा, जहाँ से आप अंदर जाएंगे, जंगल 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 जाते हुए इस जगह पर आप पहुँच जाएंगे। बड़ी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये जो पानी आ रहा है वो किस जगह से आ रहा है? ये सब पहाड़ी नदियों का पानी है। यहाँ पे आसपास जो नदियाँ हैं उनमें से एक बाकी नदी है जो जशपुर की पूरे शहर में से होकर गुजरती है, वही नदियाँ काफ़ी सारी और नदियों में, छोटी छोटी पहाड़ी नदियों में मिलती हैं, और उन्हीं पहाड़ी नदियों का ये सब पानी होता है जो जगह जगह वाटरफॉल्स में बढ़ जाता है। ये थी हमारे साथ अंकिता जैन। इसी तरह हिंदी में पूरा देश घूमते रहने के लिए देखते रहिए चलत मुसाफिर, और खूब मजे लीजिए। यहाँ पर आके आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी। चलत मुसाफिर से जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।